में आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी खुद साझा की है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका में पहली वैक्सीन लगा दी गई है। अमेरिका को बधाई, पूरी दुनिया को बधाई। वहीं देश में पहली कोरोना वैक्सीन एक अश्वेत नर्स को लगाई गई। यहाँ पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जानी है। इसके बाद पूरे दिन वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां चलती रहीं। देश के कई राज्यों में 145 जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई गई। अमेरिकी सरकार ने बीते हफ्ते ही फाइजर और बायोएनटेक को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। FDA और CDC ने इसे सुरक्षित बताया है। वहीं भारत में भी केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को गाइडलाइन भेज दी है। इसके मुताबिक हर दिन एक बूथ पर 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग होगी ताकि रिएक्शन का पता लगाया जा सके। गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर केवल उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पहले फेज में करीब 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।